Hello ji and assalamu alaikum. So this video is for what I have been experiencing and what I have experienced regarding my relationships. Relation kaun se? Jo aapke grandparents ke saath hain, dada dadi nana nani. Baat hai 2 saal pehle ki, when my nani passed away. Phir uske kuch mahinon baad, around 5 to 6 months ke baad, mere nana bhi is duniya se chale gaye. और इस बात को भी अब हो गया है कम से कम 1.5 साल, और इन 1.5 सालों में मैं अपनी नानी के घर सिर्फ 2 बार या 3 बार मुझे याद पड़ता है मैं गया हूँ. वो भी किसी को कोई काम था तो वजह इसकी ये नहीं कि कोई लड़ाई वगैरह, नथिंग बट द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप. जो मेरा रिलेशन उनके साथ था, मामू के साथ भी है, मामी के साथ भी है, बट जो ग्रैंड पेरेंट्स का था, जिस तरह वो मुझे प्यार करते थे, याद करते थे, जिस तरह मैं उनको याद करता था, मैं जाता था, मस्ती मजाक किए वो, इसी तरह मेरे घर में मेरी दादी हैं. दादी हमारे साथ रहती हैं, तो दादी के जितने भी बच्चे हैं वो इधर मिलने आते हैं दादी से, सही है, आके बैठते हैं, बातें करते हैं. तो जब तक दादी हैं तब तक ये लोग हैं. ऐसा नहीं कि लोग बुरे हैं या कुछ भी, सब नहीं, लेकिन एक जो जनरल चीज़ है जो यूजुअली होता है, तो ये जो बॉन्डिंग है ना आपकी फैमिली की, ये बुज़ुर्गों से होती है बेसिकली. सबकी फैमिलीज में जो बुज़ुर्ग होते हैं ना घर के, दादा दादी नाना नानी, वो आपकी जो फैमिली होती है ना उसको यूनाइट करके रखते हैं. सो दैट्स व्हाट आई फेल्ट एंड आई वांटेड टू शेयर विद यू. आई होप के यही चीज़ सबके साथ होती होगी, क्योंकि दादा दादी नाना नानी, दे आर द वन हु केयर्स फॉर अस. हमें लगता नहीं है, लेकिन उनको जो फिक्र होती है, वो माँ बाप से, कहते हैं ना कि माँ बाप से भी ज़्यादा फिक्र, कहते हैं ना औलाद से ज़्यादा फिक्र औलाद की औलाद के लिए होती है. तो ये बात सच है. और एक और रिलेशन है जो आपके दोस्तों के साथ होता है, आपका पुराने दोस्त. अब मैं 2 साल पहले की चैट्स स्क्रॉल कर रहा था, फ्रेंड्स फॉरएवर का ग्रुप बना हुआ है, यूनियंस का ग्रुप बना हुआ है, कभी नहीं बिछड़ेंगे वाले ग्रुप बने हुए हैं, और आज कोई दोस्त कहाँ पर है, कोई दोस्त कहाँ पर है, किसी से गिले शिकवे हैं, कोई दूर है, किसी से बातचीत अचानक ख़त्म हो गई, और कभी भी नहीं पता था कि आज आखिरी दिन है उस फ्रेंडशिप का और कल वो फ्रेंडशिप नहीं रहेगी. तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेके मैं थोड़ा डिसहार्ट होता हूँ, क्योंकि स्कूल लाइफ की चीज़ें, स्कूल लाइफ के लोग, दोस्त यार सब याद आते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ये लाइफ है, और लाइफ में हर चीज़ आप अपने साथ कैरी ऑन नहीं कर सकते हो. तो माई फ्रेंड्स एंड माई कोलीग्स जो गुजर चुके मेरे साथ, जिन्होंने टाइम स्पेंड किया है मेरे साथ, अब नहीं है, कोई किसी ने मुल्क छोड़ दिया पढ़ाई करने के लिए चले गए, कोई परमानेंटली मेरे दोस्त हैं 2-4 वो शिफ्ट हो गए, तो आई मिस यू ऑल. और ग्रैंड पेरेंट्स आर ग्रैंड पेरेंट्स.